प्यारे दोस्तों कैसे हैं। YouTube पे आप सब लोगों का डिमांड बहुत आ रहा था कि सर निधि प्रसाद जो आपकी स्टूडेंट है जिसको आपने रिसेंटली बताया कि शी हैज बीन प्लेस्ड इन अ वेरी गुड कंपनी, सो प्लीज उसको एक बार आप लेके आइए और उनसे उनका आर्टिकल का एक्सपीरियंस और अपने जॉब का एक्सपीरियंस शेयर करवाइए। सी इन दिस वीडियो वी कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द कंपनी बिकॉज शी इज एन इनसाइडर एज पर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस एंड एज पर द कंपनीज इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट। बट यस शी इज एन शी इज अ स्टूडेंट ऑफ आईकेन अकेडमी। तो एक बार हम इनसे इनका एक्सपीरियंस जानते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि सी एस करने के बाद जॉब क्या, जॉब में फंक्शंस क्या होते हैं और सी एस का रोल क्या होता है। तो बेसिकली ये वीडियो जो है आप सब प्यारे बच्चों को गाइड करेगा कि सी एस का रोल कंपनी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। निधि एक दिन ऑफिस नहीं आती तो इसके बॉस की और कंपनी की हालत कैसी होती, शी वुड लाइक टू शेयर। तो मैं स्वागत करता हूँ निधि जी का। अब तो जी बोलना पड़ेगा, बिस्किट के आगे भी जी लगाते हैं। तो निधि अब सी एस बन गई है। शी इज ऑल्सो डन हर एल एल बी फ्रॉम आईएलएस लॉ कॉलेज से, इन्होंने एल एल बी भी किया है। तो लेट्स सी इनसे जानते हैं कि कैसा है एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले कंपनी का नाम नहीं बता सकता मैं, बट यस कंपनी इंडिया की लीडिंग मतलब वन ऑफ द टॉप फाइव एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा है, बट मैं कंपनी का नाम बता नहीं सकता। सो निधि से सबसे पहले हम पूछते हैं कि इनका आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम निधि। जैसा सर ने बताया आर्टिकलशिप में एक्चुअली गेट टू नो द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, लाइक बेसिकली वी स्टडी की ये फॉर्म विद इन 30 डेज फाइल होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा कि डेट जिस दिन जैसे चार्ज क्रिएशन का फॉर्म होता है तो आपको 30 डेज कौन से दिन से काउंट करना है और 30 डेज कब तक होता है। दिस वाज एक बार हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि 30 डेज लास्ट डेट पे ही पता चला, वी गॉट टू नो। एक्चुअली में होता ये है कि हम लोग जो लॉ में पढ़ते हैं सेक्शन 77 पढ़ते हैं, वो चार्ज क्रिएट होता है उसके 30 दिन के अंदर, लेकिन अब दिक्कत ये होती है कि चार्ज क्रिएट किस डेट को होता है, तो ये प्रैक्टिकली शायद निधि आपको बता रही है। हाँ, सो एग्जैक्टली सेक्शन 77 के रेफरेंस में बोल रही हूँ कि विद इन 30 डेज कब से काउंट करना है, एंड डेट कब होता है, ये आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये मुझे और एक्चुअली में ये क्यों नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक्ट में स्पेसिफाई नहीं किया कि क्रिएट करने की डेट क्या है। हाँ. तो जैसे मैं जब इन लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि जिस डेट को चार्ज डीड साइन होती है कंपनी के बीच में और लोन देने वाले के बीच में, उस डेट को हम मानते हैं कि चार्ज क्या होता है, क्रिएट होता है। लेकिन अगेन इस प्रोविजन में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए डिफरेंट डेट्स भी हो सकती हैं। तो ये इसमें भी एक क्वेरी आया था कि बैंक और कंपनी के बीच में जो डीड था, कंपनी ने साइन कर दिया 2 तारीख को, बैंक ने साइन किया 10 तारीख को, बट जो स्टैम्प पेपर में डेट लिखा वो था वो 2nd, तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है ये आपको आर्टिकलशिप में। और ओवरऑल मतलब स्टाइपेंड वगैरह तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा मिलता था। स्टाइपेंड वाज दे पे रियली प्रीटी गुड एज कंपेयर टू द अदर कंपनीज, तो स्टाइपेंड का तो कुछ नहीं, वर्क एक्सपोजर बहुत अच्छा था। सबसे इम्पोर्टेंट की एनसीडी इशू जैसे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, बेसिकली एनबीएफसी को फाइनेंस लेने का, इट वाज डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी, राइट? यस। सो इट वाज डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी क्योंकि एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। एग्जैक्टली। तो उसमें ये है एनसीडीज का एक्सपोजर है, फॉर्म पास 3 पता ही होगा, सो यू गेट टू नो कि कैसे पास 3 होता है, कैसे अलॉटमेंट होता है, द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि एनएसडीएल सीडीएसएल से कैसे इंटरेक्शन होता है। इसमें जो आप कंप्लायंसेस करती थी, ये कंप्लायंसेस सिर्फ कंपनीज एक्ट के थे या फिर आरबीआई के साथ भी कंप्लायंसेस थे? आरबीआई के भी गाइडलाइंस वी हैव टू फॉलो, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है निधि, मैं बार बार इन बच्चों को भी बोलता हूँ कि जैसे अभी जो एग्जीक्यूटिव का नया सिलेबस है, आप तो ओल्ड सिलेबस में थे, मैं ओल्ड में, नए सिलेबस में एनबीएफसी के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया गया। एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि एक सब्जेक्ट है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, कम से कम 20 मार्क के क्वेश्चंस या 20 मार्क का उसमें एनबीएफसी के ऊपर है। देन इकोनॉमिक एंड बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ में डिपॉजिट्स के बारे में भी है और एनबीएफसी के बारे में भी और फेमा के बारे में भी है। तो आपने मेरे ख्याल से जब आपने काम कर रहे होंगे तो आपने फेमा के भी कंप्लायंसेस किए होंगे, क्योंकि आप लोग फॉरेन फंडिंग भी होते हैं से उतना एग्जैक्टली उतना ज्यादा नहीं होता है, तो फेमा के कंप्लायंसेस उतने नहीं थे। ओके और फिर कंपनी, और अगर मैं रेशियो बताऊं कि कंपनीज एक्ट में या फिर कौन कौन से लॉ में आपने काम किया? कंपनीज एक्ट तो अपना कोर है, कंपनीज एक्ट,
एंड बीइंग अ लिस्टेड कंपनी वी हैव टू कंप्लाई विद दी सेबी लिस्टेड एलओडीआर एंड अदर रेगुलेशंस और आर रजिस्टर्ड विद आरबीआई तो आरबीआई गाइडलाइंस भी फॉलो करना है एंड सर्टेन दूसरे और कौन से एलओडीआर आर बेसिकली जैसे पीआई प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर आप उसके अंदर आते होंगे डेफिनेटली अभी शी इज एन इनसाइडर तो पीआईटी रेगुलेशंस सेबी के काफी अच्छा आपके कार्यकाल में मतलब जब तक आप वहां पे जॉइन किए क्या कोई टेक ओवर वगैरह का कुछ नहीं टेक ओवर या फिर मर्जर अमलगेशन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और कोई लॉ जो आप कंप्लाई करते हो और बेसिकली आप मेरे ख्याल से होल्डिंग कंपनी में थी वी हैव अनदर होल्डिंग कंपनी आल्सो ओके ओके सो एंड वी हैव सब्सिडी होली ओन सब्सिडीज आल्सो द कंपनी तो एक्चुअली सीएस के बच्चों को ना ये सीएस में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यू नो मैं जैसे कि मैं भी जब जॉब करता था तो आई यूज्ड टू वर्क फॉर होल्डिंग कंपनी तो होल्डिंग कंपनी की 7 सब्सिडीज होती थी तो वो कंप्लायंसेस भी हमें करने होते थे तो वो एक बहुत सरदर्द वाला काम होता था एंड नॉट नेसेसरी कि जो आपकी सब्सिडरी कंपनी है वो भी एक एनबीएफसी हो तो उस कंपनी के भी अदर कंप्लायंसेस होते हैं उसकी भी अगर होली ओन सब्सिडरी होती है तो उसकी भी अदर कंप्लायंसेस होते हैं तो ये एक अच्छा था एक्सपोजर कि होल्डिंग का अगर इट इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई तो उसके अलग कंप्लायंसेस है होली ओन सब्सिडरी के इट इज अलग कंप्लायंसेस होली ऑन सब्सिडरी हो सकता है एनबीएफसी हो सकता है एनबीएफसी ना हो तो उसके भी कंप्लायंसेस का एक्सपोजर मिला एंड ये बात अच्छी थी उस कंपनी की कि बहुत अप्रोचेबल थे द बॉसेस सारे तो ये नहीं है कि इफ यू आर डूइंग आर्टिकलशिप यू कांट अप्रोच द बॉस एनी सिली डाउट कुछ एक क्लॉज नहीं समझ रहा है कंपनीज एक्ट ऑर्डिनेंस आया था तो उसमें क्लॉज वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड मुझे सिंपल एज सेंटेंस नहीं समझ रहा था आई डायरेक्टली वेंट टू माय हेड बॉस लॉ पढ़ने के टाइम पे और मैं इन लोगों को बच्चों को वीडियो बना के बताते ही रहता हूँ कि आप लॉ अच्छे से पढ़िए क्योंकि आफ्टर बिकमिंग अरे निधि तो ठीक है बट मुझे टीचिंग करते 11 साल हो गए फिर 3 साल मैंने जॉब किया मुझे आज भी कई अमेंडमेंट्स आते हैं तो मुझे मतलब लिटरली मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करने का है तो लॉ आप लोग ध्यान से पढ़िए और निधि एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि बेसिकली पैकेज तो इनका पैकेज जो है वी कैन नॉट डिस्क्लोज द पैकेज क्योंकि इनकी कंपनी की पॉलिसीज बड़ी खतरनाक है बट यस शी हैज अ वेरी गुड पैकेज आप जितना सोच रहे हैं उससे 3 लाख रुपए बढ़ा लीजिए उतना पैकेज है इनका एंड शी इज डूइंग ग्रेट अच्छा एक और चीज सीएस कोर्स कैसा है क्योंकि यू नो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सीएस करें सीए करें तो मैं ये सोच या फिर कोई दूसरा कोर्स है सीएस कोर्स आपको कैसा लगता है मतलब आपने अपने जीवन में क्या परिवर्तन देखा है सीएस करके कैसा फील होता है मतलब अगर मैं सोचूं कि निधि आपको सीएस बन के कैसा फील होता है अगर मैं आपको 5 साल पहले ऑप्शन देता कि आप सीएस कोर्स ना करके कोई और कोर्स करो तो आपका जवाब क्या है आज सीएस कोर्स एक्चुअली अच्छा बहुत इट गिव्स यू जैसे आपका सीएस कोर्स करके सबसे पहले तो इंटरप्रिटेशन बहुत अलग जाता है लोगों को ऐसे लगता है कि सीए इज एनी टाइम बेटर देन सीएस दिस आई हैव हर्ड लॉट मेनी टाइम्स फ्रॉम नहीं ऐसा नहीं है एवरीवन की सीए अरे सीए कर लेते तो बट बिल्कुल ऐसा नहीं है दे हैव देयर डिफरेंट फील्ड वी हैव आवर डिफरेंट फील्ड उन लोग हमारे फील्ड में आएंगे उनको एक सिंपल सा लॉ दे दो दे विल नॉट बी एबल टू इंटरप्रिट मैं ये नहीं बोल रही कि वो नहीं करेंगे बट उनका डिफरेंट फील्ड है डिफरेंट फील्ड है दे लुक इनटू फाइनेंस देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन सीए एंड सीएस कि ये सी एस थोड़ा कम देन सी ए ऐसा कुछ भी नहीं है तो सी एस बन के कैसा लगा आपको सी एस बन के ऑब्वियसली इट इज अ प्रोफेशनल डिग्री बहुत रिस्पेक्टफुल लगता है कि और ये अभी मेरे ख्याल से 23-24 साल की मैं एग्जैक्ट एज तो नहीं पूछूंगा इसकी और आज ही एक 63 लाख का फ्लैट देख के आई है मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है बच्चों की यू नो 23-24 की एज में शी इज बाइंग टू हैव अ फ्लैट मतलब ये तो मेरे से भी फास्ट है मैंने 25 की एज में खरीदा था तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि सी एस करके व्हाट कॉन्फिडेंस शी हैज गॉट और कंपनी बहुत अच्छी है बॉसेस बहुत अच्छे अच्छा एक और चीज कंपनी के अंदर रिस्पेक्ट कैसा होता है सी एस का इट भाई सी एस है इज द कंप्लायंस ऑफिसर उसका अलग है यू कांट कंपेयर विद एनीवन तो उनको भी अलग रिस्पेक्ट ही मिलता है उसकी एक सिग्नेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है जो तो शेयर सर्टिफिकेट्स आते हैं उसके साइन के लिए अनटिल अनलेस दैट सी एस वुड साइन उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो सीएस का कंपनी में एक्चुअली इट इज और केएनपी है वो अपना एग्जैक्टली केएनपी तो बन ही गया अच्छा ये जो मेरे बच्चे हैं ये यंगस्टर्स हैं अच्छा इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो एग्जीक्यूटिव के 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट फेल हो गए हैं कई ऐसे हैं जो फाइनल में मतलब निराश लोग हैं उनको आप क्या आप गाइड करेंगे क्योंकि उनके मन में ना बार बार आता है कि वो छोड़ दें सीएस उनको लगता है कि नहीं यार बहुत हो गया एज निकल रहा है तो
और कई बार ना वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे? ये एक सजेशन है, आप डीमोटिवेट ना हो, एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट, मैं भी एग्जीक्यूटिव में ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने सारा क्लियर कर दिया था, इट टुक मी 3 अटेम्प्ट्स फॉर 2 ग्रुप्स टू क्लियर। ये पॉइंट भी नोटेड है ये कि आपने हारना नहीं है, 3 अटेम्प्ट जाने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। 3 अटेम्प्ट्स के बाद ठीक, और क्योंकि एक्चुअली सीएस में हार्डवर्क तो मैटर करता है, हार्डवर्क डेडिकेशन और थोड़ा लक भी मैटर करता है, ये मैं डिनाई नहीं करूंगी। तो यू गिव योर 100%, नहीं हुआ तो ठीक है, यू डोंट हैव टू गेट डीमोटिवेटेड, ये देखना कि ठीक है इस बार नहीं हुआ, अगली बार अपन और थोड़ा मेहनत करेंगे, विल डू इट, वी विल डू इट, ये अप्रोच के साथ यू स्टडी, गिव योर 100%, तो आई डोंट थिंक सो कि एनीथिंग इज इम्पॉसिबल, मे इट बी क्लियरिंग सीएस एग्जाम और इन योर प्रैक्टिकल, कुछ भी सिचुएशन में भी हारना नहीं, ये हुआ ठीक है आगे देख लेंगे, तो ये अप्रोच के साथ चलेंगे तो यू क्लियर योर सीएस फाइनल एवरीथिंग लाइफ में। इट्स रियली ग्रेट, मतलब बहुत इंस्पिरेशनल कहा निधि ने, तो मैं आप सबके बिहाफ पे निधि को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और कर्तव्य कहता हूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि निधि बहुत आगे जाए और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं निधि से इंस्पायर हो और बहुत आगे जाए लाइफ में, क्योंकि हमारा काम ही वो है, और हम जैसे गुरु हमेशा निधि और निधि जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी, चाहे सी एस फाउंडेशन की जर्नी हो, एग्जीक्यूटिव की जर्नी हो और फाइनल की जर्नी हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। निधि हैज बीन एन आईकैनियन, निधि हमेशा आईकैन एकेडमी से जुड़ी रही और बहुत ट्रस्ट वर्दी स्टूडेंट है हमारी, तो हम भी बहुत भगवान को धन्यवाद बोलते हैं कि निधि जैसे अच्छे बच्चे हमारी क्लास में आते हैं और कुछ अच्छा बन के जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।